Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Myself, Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about Table in Excess, Chapter Number 3, Class 8. In this chapter, we learn following topics: data types, create table in design view, set a primary key, add, delete and move a field, enter data in the table, add a new record row in the table and sort the data within the table. Student, in last chapter we discussed about what is MS Access, DBMS, Database Management System. Now student, you know what is MS Access? MS Access is a tabular format. MS Access में हम क्या करते हैं, जो भी डेटा होता है उसको टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करते हैं. मीन्स MS Access जो होता है वो हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए यूज में लिया जाता है. नाउ ऑल द डेटा इन MS Access स्टोर इन टेबुलर फॉर्मेट. नाउ अ टेबल इज यूजली यूज टू represent the data in the tabular format. It consists of rows and columns. A row contains records of an entity, whereas column contains different attributes, fields name of different data type. Now students, MS Access में जितना भी data हमने store किया है वो किस में किया है, table format में, tabular format में. और जो कॉलम्स होते हैं, टेबल्स के जो कॉलम्स होते हैं उसको हम यहाँ किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एट्रीब्यूट से. सपोज मैं एट्रीब्यूट बोल रहा हूँ, मीन्स वो क्या है, वहाँ पर एक कॉलम का नेम है. फॉर एग्जांपल, सपोज हमें एक स्टूडेंट के डेटा स्टोर करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने कॉलम में लिया रोल नंबर, तो रोल नंबर इज अ एट्रीब्यूट. नेम जो है, नेम कॉलम नेम है और वो क्या है, एट्रीब्यूट. देन मार्क्स, जो मार्क्स है वो क्या है, कॉलम नेम है, वो भी क्या है, एट्रीब्यूट से. तो एट्रीब्यूट्स एंड कॉलम्स नेम स्टोर सेम डेटा. सपोज रोल नंबर, तो रोल नंबर में जो डेटा है वो सेम होगा. नेम, नेम में जो डेटा है वो क्या होगा बेटा, सेम होगा. बट रो, रो में जो डेटा होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है. फर्स्ट जैसे रोल नंबर 101, नेम निशा, मार्क्स 75. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा वेरी कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा होता है. अब नेक्स्ट डेटा टाइप. डेटा टाइप्स आर यूज टू डिक्लेयर द फील्ड ऑफ अ टेबल. स्टूडेंट यहाँ पे न्यू टर्म है डेटा टाइप्स. वॉट इज डेटा टाइप्स? सपोज आई हैव रिटन ए, मीन्स स्टूडेंट आप बता देंगे कि ए क्या है, ए इज अ कैरेक्टर. पर सिस्टम, कंप्यूटर इज अ मशीन, कंप्यूटर को कैसे फाइंड आउट होगा कि पर्टिकुलर जो आपने ए लिखा है वो कोई नंबर है स्पेसिफाई या कोई कैरेक्टर है. तो उसके लिए हम क्या स्पेसिफाई करते हैं, उस कॉलम का डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं कि पर्टिकुलर कॉलम में जो डेटा हम स्टोर करेंगे वो किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा या और अदर टाइप का होगा. नाउ लेट्स सी डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड देयर डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट शॉर्ट टेक्स्ट. इट इज यूज्ड फॉर टेक्स्ट फील्ड. इट्स स्टोर अप टू 255 कैरेक्टर्स. सपोज स्टूडेंट आपने किसी कॉलम में जो डेटा टाइप है वो क्या लिखा है, शॉर्ट टेक्स्ट. तो जो शॉर्ट टेक्स्ट डेटा टाइप है वो किस तरह का डेटा स्टोर करेगा, कैरेक्टर टाइप्स का डेटा स्टोर करेगा. सपोज किसी का नेम है तो नेम क्या है, कैरेक्टर टाइप है, तो वो क्या स्टोर करेगा, कैरेक्टर टाइप डेटा टाइप स्टोर करेगा. और कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकता है, 255 कैरेक्टर्स. मीन्स उस पर्टिकुलर कॉलम में आप कितने कैरेक्टर स्टोर करा सकते हो, 255. ठीक है, जैसे आपने किसी का नेम लिखा तो उस नेम के जो कैरेक्टर्स हैं, मैक्सिमम कैरेक्टर्स हैं वो कितने होने चाहिए, 255. सपोज आपको 255 से ज़्यादा कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है किसी कॉलम में, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, लॉन्ग टेक्स्ट डेटा टाइप यूज़ करेंगे. इट इज़ यूज फॉर टेक्स्ट फील्ड इज स्टोर अप टू 65,535 कैरेक्टर्स. नेक्स्ट इज नंबर. इट इज यूज फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज. सपोज कोई डेटा टाइप है नंबर टाइप का, रोल नंबर, तो रोल नंबर डेटा टाइप किस तरह का है, नंबर टाइप का, तो वहां पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, नंबर. ओके, नेक्स्ट इज डेट टाइम. इट स्टोर द डेट. सपोज
आपने कोई कॉलम लिया है और उस कॉलम में स्टूडेंट की क्या है, डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ किस में आएगी, डेट में। तो उसके लिए जो आपको डेटा टाइप लेना है वो क्या लेना है, डेट एंड टाइम। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट इज ऑटो नंबर। ऑटो नंबर इज यूज टू प्रोवाइड अ यूनिक नंबर टू ईच न्यू रिकॉर्ड। अगर आपने सपोज किसी कॉलम का डेटा टाइप क्या सेलेक्ट कर लिया, ऑटो नंबर, तो उसमें बाय डिफॉल्ट जैसे आप रो चेंज करेंगे, फर्स्ट रो की एंट्री करी क्या जाएगा वहाँ पे फर्स्ट, फिर देन सेकंड रो पे गए तो क्या जाएगा ऑटोमेटिक 2, 3, 4, इस तरह से जो नंबर जनरेट होंगे वो ऑटोमेटिक जनरेट होते हैं। तो यदि आपने डेटा टाइप चूज किया है ऑटो नंबर, तो जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे, ऑटोमेटिक जनरेट होंगे। नेक्स्ट इज यस एंड नो। इट इज यूज ओनली वन पॉसिबल वैल्यू सच एज ट्रू एंड फॉल्स। ये जो डेटा टाइप है, ये जो डेटा टाइप होता है वो ओनली ट्रू और फॉल्स वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज अटैचमेंट। इट इज यूज टू अटैच फाइल्स लाइक इमेजेस। सपोज आपको अपने डेटा टाइप में कोई इमेज क्या करनी है, अटैच करनी है, लिंक करनी है, तो उसके लिए जो आप डेटा टाइप यूज करोगे वो करोगे अटैचमेंट। नेक्स्ट इज कैलकुलेटेड। इट इज यूज टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अदर फील्ड्स इन द सेम टेबल। सपोज आपको कोई भी कैलकुलेशन है, आपने कोई कैलकुलेशन वर्क परफॉर्म किया, तो वो जो कैलकुलेशन है उसका रिजल्ट आपने एक न्यू कॉलम में पेस्ट करोगे, उसके लिए उस कॉलम नेम का जो डेटा टाइप है वो क्या रखोगे, कैलकुलेटेड रखोगे। ओके नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट वर्किंग विद टेबल्स। स्टूडेंट आप जानते हैं कि जितना भी एमएस एक्सेस में वर्क होता है वो किस में होता है, टेबुलर फॉर्मेट में होता है, टेबल फॉर्मेट में होता है। तो हमें देखना है कि हम किस तरह से जो टेबल्स हैं उसके ऊपर वर्क करते हैं। यू कैन वर्क विथ टेबल्स इन द टू व्यूज, फर्स्ट डेटा शीट व्यू एंड सेकेंड डिजाइन व्यू। डेटा शीट व्यू में आपको जो टेबल होगी वो किस तरह से, किस फॉर्मेट में दिखाई देगी, कि उसमें आपको अपनी एंट्रीज करनी है। सपोज जैसे आपने कोई टेबल बनाई, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ठीक है, और सब्जेक्ट्स, तो डेटा शीट व्यू में जो आपको व्यू दिखाई देगा मींस वो व्यू होगा आपको एंट्री करने के लिए, कि अब आपको क्या करनी है, एंट्री करनी है, रोल नंबर में रोल नंबर एंटर करना है, ठीक है, मार्क्स में मार्क्स एंटर करने हैं, एंड सो ऑन। एंड डिजाइन व्यू में क्या करना होता है, आपको टेबल डिजाइन करनी होती है, मींस फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप टेबल डिजाइन करते हैं तो आपको क्या देना होता है उसमें, कॉलम्स नेम, जैसे रोल नंबर, मार्क्स नेम, स्टूडेंट फादर नेम, तो ये सब क्या हो गए, जब आपने टेबल डिजाइन की तो जब टेबल ओपन होती है तो उसमें फर्स्ट कॉलम आपको दिखेगा रोल नंबर नेम, तो ये सब किस में होंगे, डिजाइन व्यू में। नाउ लेट वी डिस्कस डेटा शीट व्यू। हम फर्स्ट देख रहे हैं डेटा शीट व्यू। द डेटा शीट व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू ऑफ एक्सेस। तो जब भी आप ओपन करेंगे एमएस एक्सेस को तो उसमें जो आपकी टेबल ओपन होगी वो किस व्यू में ओपन होगी, डेटा शीट व्यू में। You can enter the data by clicking on any cell. Student, ये देखो जो आपको यहाँ पर पिक्चर शो हो रही है, इस ये जो है ये किस, जो टेबल आपकी ओपन हुई है किस मोड में ओपन हुई है, डेटा शीट व्यू में। ये देखो फर्स्ट आईडी, डेट ऑफ बर्थ, नेम, मार्क्स एंड एड्रेस, ये ऑल क्या है, ये ऑल ऑफ क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं या कॉलम नेम है। और जो ये रोज हैं, ये रोज चल रही है 1, फिर DOB, फिर नेम, फिर मार्क्स और एड्रेस। तो ये जो हॉरिजेंटल चल रहा है वो क्या चल रही है, आपकी रोज हैं, और जो वर्टिकल्स हैं ये क्या हैं, आपके कॉलम्स हैं। तो इस तरह से आपका ये फर्स्ट व्यू है किसका, डेटा शीट व्यू का। आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप माउस से यहाँ क्लिक करें, एंट्री करें, देन माउस से क्लिक करें, या एरो कीज से भी आप क्या कर सकते हैं, वन बाय वन आगे जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज डिजाइन व्यू। The design view is used to create or modify a table. To create a table in design view, following the given step. Yes, student, आप design view के through क्या कर सकते हैं, किसी भी table को नई table बना सकते हैं, उसमें कोई भी modify कर सकते हैं following points के through. Okay, now student, अब मैं आपको ये सब चीज़ किसमें करके बताता हूँ, practical में। Now go to practical. Yes, student, first of all, you open MS Access, go to start button, then click Microsoft Office Access, Microsoft Office window open, blank database, here you see blank database, click blank database, here file name, यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, आपको database का
जो जिस डेटाबेस नेम, जो डेटाबेस नेम आपको एंटर करना है, जिस फाइल, जिस डेटाबेस को आपको सेव करना है, वो यहाँ पर नेम आपको लिखना है। बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, डेटाबेस 1, 2, 3 हम बाय डिफॉल्ट नेम रखते हैं डेटाबेस 3, देन क्लिक क्रिएट बटन। ये देखो स्टूडेंट, ये आपको फर्स्ट व्यू दिखा है आपका, ये जो आपका फर्स्ट व्यू है ये क्या है आपका डिज़ाइन व्यू में ओपन हुआ है फर्स्ट व्यू। ओके, नाउ यहाँ पर देखो आपको व्यू दिख रहे हैं टू टाइप्स के, डेटा शीट व्यू एंड डिज़ाइन व्यू। तो अभी हमें क्या करना है, डिज़ाइन व्यू पे जाना है। तो फर्स्ट क्लिक डिज़ाइन व्यू, टेबल नेम आपसे पूछा है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं टेबल नेम दीजिए, वरना बाय डिफॉल्ट टेबल वन ये क्या करेगा, सेव करेगा, एंड देन क्लिक ओके बटन। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको दिख रहा है फील्ड नेम, फील्ड नेम में आपको क्या करना है, आपका फील्ड नेम एंटर करना है। सपोज फर्स्ट फील्ड नेम मैंने एंटर किया है रोल नंबर, नाउ एंटर रोल अंडरस्कोर नंबर। और अभी यहाँ पे क्या है ऑटो नंबर, अगर स्टूडेंट यहाँ पे ऑटो नंबर होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिक रोल नंबर जनरेट होंगे 1, 2, 3, 4 इसके अकॉर्डिंग। आपको क्या करना है, यहाँ पे रोल नंबर कितना होता है इंटीजर्स, तो यहाँ पे आपको डेटा टाइप सेलेक्ट करना है इंटीजर या नंबर, ये देखो नंबर है, यहाँ पे डेटा टाइप आपने सेलेक्ट किया नंबर। देन मूव सेकेंड कॉलम, यहाँ पे आपने लिखा नेम, स्टूडेंट का नेम एंटर कर, नेम लिखना है आपको, तो नेम। देन नेम क्या होता है, कैरेक्टर टाइप, तो आपको यहाँ पर जो डेटा टाइप सेलेक्ट करना है वो टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट आपने लिखा क्लास, थर्ड कॉलम लिया आपने क्लास सी, ओके, एंड डेटा टाइप को सेलेक्ट कर रहे हैं नंबर, क्योंकि क्लास हो गया आपके नंबर्स में, तो आपने नंबर सेलेक्ट कर लिया। देन नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट कॉलम, राइट कॉलम नेम एस यू बी सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट में आपको डेटा टाइप सेलेक्ट करना है टेक्स्ट। ओके, तो इस तरह से आपने क्या कर लिया, टेबल को डिज़ाइन कर लिया। अब आप इसको देखना चाहते हैं किस व्यू में, डेटा शीट व्यू में, तो गो टू व्यू ऑप्शन, देखो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा है डेटा शीट व्यू, क्लिक डेटा शीट व्यू। ये आपको पूछा है डू यू वांट टू सेव द टेबल नाउ, आपको टेबल सेव करनी है, यस हमने टेबल को सेव किया। ये देखो स्टूडेंट, ये जो फर्स्ट आपको दिख रहा है रोल नंबर नेम क्लास एंड सब्जेक्ट, ये हमने डिज़ाइन किया है टेबल में, तो ये जो व्यू है ये कौन सा व्यू है, डेटा शीट व्यू। तो स्टूडेंट आपने डिज़ाइन व्यू में क्या किया, डिज़ाइन व्यू में जाके अपने टेबल को डिज़ाइन कर लिया। ओके यस स्टूडेंट, डिज़ाइनिंग अ टेबल इन डिज़ाइन व्यू, तो इस तरह से हमने भी प्रैक्टिकल में देखा था, सेम एज इट इज़ आपको व्यू प्रैक्टिकल में दिखा था। यहाँ पे आपने फील्ड नेम और ये आपके क्या है सब डेटा टाइप्स, ये जो आपने सेलेक्ट कर रखे हैं आपके फील्ड नेम है और इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, हमारा डेटा टाइप सेलेक्ट किया था। नेक्स्ट इज प्राइमरी की, प्राइमरी की इज अ फील्ड विच कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, द वैल्यू इज प्राइमरी की इज डिफरेंट फॉर एवरी रिकॉर्ड। यस स्टूडेंट, जब भी हम डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं, डीबीएमएस बनाते हैं एमएस एक्सेस में, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्राइमरी की, ठीक है। विदाउट प्राइमरी की आप डेटाबेस जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइमरी की एक ऐसा की होती है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, जो डुप्लीकेसी होती है आपके डेटाबेस में उसको ओवरकम करते हैं, रिमूव करते हैं। अब प्राइमरी की में आपको वो फील्ड सेलेक्ट करना है जो यूनिकली आइडेंटिफाई होता है, जैसे सपोज स्टूडेंट का जो डेटाबेस होता है उसमें रोल नंबर, तो रोल नंबर क्या है, रोल नंबर को जस्ट एज अ प्राइमरी की सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि रोल नंबर जो होता है उसमें सपोज एक स्टूडेंट को रोल नंबर दिया आपने 101, तो वो सिंगल स्टूडेंट के लिए, डबल स्टूडेंट को हम रोल नंबर, एक रोल नंबर अलॉट नहीं करते, तो उसको हम क्या सेट कर सकते हैं एज अ प्राइमरी की। अब सेटिंग अ प्राइमरी की, हाउ टू क्रिएट अ प्राइमरी की इन अवर डेटाबेस, कैसे करेंगे, ये स्टेप्स हैं उनकी, नाउ गो टू प्रैक्टिकल। यस स्टूडेंट, हम देखेंगे कि प्राइमरी की हम कैसे अटैच करते हैं हमारी टेबल में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू व्यू ऑप्शन, क्लिक एंड गो टू डिज़ाइन व्यू, क्लिक नाम। देखो स्टूडेंट, ये आपका जो टेबल है ओपन हुआ है किसमें, डिज़ाइन व्यू में। ओके, अब यहाँ पे आपको देखो फर्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है रोल नंबर, तो रोल नंबर को हम क्या सेट करेंगे एज ए प्राइमरी की, ठीक है। तो अभी मैंने कुछ भी सेट नहीं किया हुआ, रोल नंबर नेम क्लास एंड सब्जेक्ट, इसमें आपको सिर्फ उसी को ही प्राइमरी की सब्जेक्ट करना है जिसकी वैल्यू क्या होगी, यूनिक होगी। मीन्स रोल नंबर में आपकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू सेलेक्ट रोल नंबर,
देन फिर आपको माउस को लेके जाना है सबसे लास्ट में, क्लिक, एक पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, देन फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी की, क्लिक प्राइमरी की। या आपने प्राइमरी की पे क्लिक किया, यहाँ पे देखो आपको एक की दिख रही है प्राइमरी की, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट फील्ड है ये आपका क्या सेलेक्ट हो गया, एज अ प्राइमरी की। तो रोल नंबर इज अ प्राइमरी की, जो एट्रीब्यूट है वो आपका क्या बन गया, एज अ प्राइमरी की। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, तो आपने देखा सेटिंग है प्राइमरी की, हमने प्रैक्टिकल में देखा था किस तरह से हमने एक प्राइमरी की जनरेट की है, आईडी के ऊपर इस तरह से जो साइन आया था प्राइमरी की का, तो इस तरह से हमारी क्या होती है, प्राइमरी की जनरेट हो गई थी। नेक्स्ट इज वेरियस ऑपरेशन ऑन फील्ड्स। फर्स्ट एडिंग अ न्यू फील्ड। अब आपको अपने टेबल में कोई भी फील्ड, नया फील्ड जनरेट करना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एडिंग अ न्यू फील्ड। सपोज रोल नंबर है, क्लास है, सब्जेक्ट्स हैं, मार्क्स हैं, मुझे उसमें क्या ऐड करना है, एड्रेस ऐड करना है। तो वो कैसे ऐड करना है, ये फॉलोइंग स्टेप, दीज स्टेप्स फॉलो करनी है। नाउ गो टू प्रैक्टिकल। यस, नेक्स्ट इज एडिंग अ न्यू फील्ड। सो इसमें हमें सेम प्रोसेस करना है, गो टू डिज़ाइन व्यू। सब फर्स्ट ऑफ ऑल व्यू बटन पर क्लिक करना है, देन गो टू डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू ओपन हो गया आपके पास में, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट्स, योर ऑल आर कॉलम्स नेम, ठीक है। सपोज रोल नंबर है, नेम है, मुझे एड्रेस में क्या करना है, ऐड करना है। कहाँ ऐड करना है, नेम के जस्ट बाद में, नेम और क्लास के बिटवीन। तो आप कहाँ पे जाएंगे, क्लास ऑप्शन पे, और यहाँ पर ये देखो क्लास ऑप्शन गए, एंड डिज़ाइन व्यू, एंड डिज़ाइन व्यू में ऊपर दिख रहा है आपको इंसर्ट रोज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कहाँ जाना है, क्लास में सेलेक्ट करना है क्लास को, देन गो टू डिज़ाइन ऑप्शन, एंड यहाँ पर इंसर्ट रो, क्लिक इंसर्ट रो। स्टूडेंट एक नया कॉलम ऐड हो गया आपके डिज़ाइन व्यू में। अब आपको यहाँ पर नेम लिखना है इसका, आपने लिखा एड्रेस ADD, ठीक है, और एड्रेस जो होगा उसको आपने टेक्स्ट डेटा टाइप दे दिया। तो इस तरह से आपने क्या किया, फर्स्ट आपके जो टेक्स्ट व्यू है, टेबल व्यू है, उसमें एक नया फील्ड ऐड किया है, ठीक है स्टूडेंट। ओके यस स्टूडेंट, एडिंग न्यू फील्ड इन डिज़ाइन व्यू। तो इस तरह से हमने देखा भी प्रैक्टिकल में किस तरह से हमने एक नया कॉलम को, न्यू फील्ड को ऐड किया है हमारे फील्ड नेम में। इस तरह से जस्ट आपका क्या हुआ था, एक ब्लैंक जो था रो यहाँ पे क्रिएट हुई है, और उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपना फील्ड नेम एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ फील्ड। टू डिलीट अ फील्ड फॉलो द गिवन स्टेप। सपोज अब जो फील्ड्स हैं उनमें से आपको कोई फील्ड क्या होता है, डिलीट करना है, रिक्वायरमेंट नहीं है, रोल नंबर, क्लास, मार्क्स। सपोज हमें जो एड्रेस फील्ड है उसको क्या करना है, डिलीट करना है, तो हम इन स्टेप्स को फॉलो करके उसको डिलीट कर सकते हैं। नाउ गो टू प्रैक्टिकल। यस, नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ फील्ड। सपोज स्टूडेंट आपको कोई भी इनमें से एक फील्ड डिलीट करना है, रोल नंबर, नेम, एड्रेस, क्लास एंड सब्जेक्ट्स। यहाँ से आपको कोई भी एक फील्ड को क्या करना है, डिलीट करना है। सपोज मुझे जो हमने एड्रेस फील्ड ऐड किया था उसी को ही क्या करना है, डिलीट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट एड्रेस फील्ड नेम, एड्रेस फील्ड नेम सेलेक्ट हो गया, गो टू डिज़ाइन मेन्यू। हम यहाँ से अब कहाँ जाएंगे, डिज़ाइन मेन्यू में, डिज़ाइन ऑप्शन में, ये टॉप ऑफ द यहाँ पे दिख रहा है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है इंसर्ट रो, डिलीट रो, तो ये जो सेकेंड ऑप्शन है डिलीट रोस, यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्या हो गया स्टूडेंट, ये जो एड्रेस था वो एड्रेस क्या हो गया, जो एड्रेस फील्ड नेम था वो हमारा यहाँ से डिलीट हो गया। ओके स्टूडेंट, कितना रह गया, रोल नंबर, नेम, क्लास एंड सब्जेक्ट। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, फील्ड जो था, जो फील्ड नेम था, एड्रेस, उसको आपने डिलीट कर दिया। नाउ स्टूडेंट आपने देखा हाउ टू डिलीट अ फील्ड। सपोज सिटी, सिटी को आपको क्या करना था, डिलीट करना था, तो आपने इसको यहाँ से सेलेक्ट किया था, डिलीट रिकॉर्ड पे गए थे, और जैसे इस बटन पे क्लिक किया था ये आपसे पूछता है कि आपको डिलीट करना है रिकॉर्ड, आपने यस किया, तो क्या हो गया आपका जो डिलीट था पर्टिकुलर, सॉरी जो रिकॉर्ड था वो क्या हो गया, डिलीट हो गया। नेक्स्ट इज मूविंग अ फील्ड। टू मूव अ फील्ड फॉलो द गिवन स्टेप। यस स्टूडेंट, यदि आपको किसी भी फील्ड्स को मूव कराना है, सपोज आपने जो फील्ड का ऑर्डर है वो रख रखा है, रोल नंबर, सेकेंड इज नेम, थर्ड इज सिटी, फोर्थ इज एड्रेस। सपोज आपको एड्रेस को रोल नंबर के जस्ट बाद में लाना है, तो आप वहाँ पे कौन सा फील्ड यूज़ करेंगे, मूविंग अ फील्ड। ये स्टेप्स हैं, इस स्टेप्स को फॉलो करना है और आपको क्या करना है, उस फील्ड को मूव कराना है। नाउ गो टू प्रैक्टिकल। नेक्स्ट इज मूविंग अ फील्ड। स्टूडेंट आपको क्या करना है, किसी भी जो फील्ड है उसको मूव कराना है। सपोज ये आपने लिखा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को आपको कहाँ लिखाना है, क्लास के जस्ट ऊपर। तो आप क्या करेंगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। देखो हाईलाइट हो गया, इस तरह से मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं गया यहाँ पे लेके आया माउस के कर्सर को, देन क्लिक किया तो सब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। पूरा फील्ड सेलेक्ट कर लो आप एक साथ, ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा फील्ड सेलेक्ट हो जाएगा ये लास्ट में इधर आके, ठीक है। कंप्लीट फील्ड सेलेक्ट हो गया, देन अब इसको क्या करना है, मूव करना है। और मूव क्या करना है, सबसे लास्ट में नेम और क्लास के बीच में लेके जाना है। आप यहाँ जाएंगे देखो इस तरह से, और जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे एक बॉक्स बना हो गया माउस के जस्ट नीचे, देखो दिख रहा है आपको माउस के नीचे जस्ट बॉक्स, और एक ब्लैक कलर की लाइन आपको शो हो रही है। इस ब्लैक कलर की लाइन को आपको लेके जाना है ऊपर। मैं कहाँ लेके चला गया, जस्ट क्लास के ऊपर लेके गया इस लाइन को, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, माउस को रिलीज़ कर देना है। देन सब्जेक्ट क्या हो गया, लास्ट से जस्ट क्लास के ऊपर चला गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फील्ड को मूव करा सकते हैं, उसकी पोजिशन को चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज सॉर्टिंग अ डेटा। सॉर्टिंग ऑफ डेटा मीन्स टू अरेंज द डेटा इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यस स्टूडेंट, आपको पर्टिकुलर किसी भी एट्रीब्यूट या किसी भी कॉलम को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सपोज मुझे नेम को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट करना है। डेटाबेस में जो नेम है वो किसी भी ऑर्डर में, या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नेम नेहा, फिर गौरव, फिर देन सोनू, उस तरह से क्या हो रहे हैं, स्टोर हो रहे हैं। हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबसे पहले ए अल्फ़ाबेट वाले, फिर बी अल्फ़ाबेट वाले, देन सी अल्फ़ाबेट, डी अल्फ़ाबेट, इस तरह से हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉर्टिंग डेटा, ये स्टेप्स हैं उनको फॉलो करना है, और हमें क्या करना है, सॉर्टिंग करना हमारी डेटा की। नाउ गो टू प्रैक्टिकल। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट इज सॉर्टिंग डेटा। सॉर्टिंग मीन्स अरेंजिंग द कॉलम नेम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सपोज आपने जो सॉर्टिंग करनी है, ये जो नेम कॉलम है इसकी सॉर्टिंग करनी है। सॉर्टिंग मीन्स अभी हम इसकी असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करेंगे। सबसे पहले क्या है, नेहा, फिर आर्यन, फिर सोनू, फिर गौरव, इस तरह से स्टूडेंट्स के नेम है। तो अभी इसमें कोई सॉर्टिंग नहीं है, इसका जो ऑर्डर है वो कोई अरेंजिंग ऑर्डर में नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉर्टिंग करनी है तो सबसे पहले हम इनको सेलेक्ट करते हैं। तो माउस से आप क्या करो, इसको सेलेक्ट कर लीजिए सारे कॉलम्स को इस तरह से, यहाँ जाओ ऊपर नेम पे माउस लेके जाओ और क्लिक कर दो, तो ये सारे जो कॉल, ये जो कॉलम है पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। देन राइट क्लिक करो यहाँ पे, एक सेकेंड, ये मैंने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक भी आपको यही करना है कॉलम के ऊपर। यहाँ लिखा हुआ है सॉर्ट ए टू जेड और सॉर्ट जेड टू ए, तो मुझे ए टू जेड यदि सॉर्टिंग करनी है, मैंने सॉर्ट ए टू जेड पे क्लिक किया। तो देखो जो नेम है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए, आर्यन, गौरव, नेहा एंड सोनू। सपोज मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है, देन गो टू फील्ड, राइट क्लिक, सॉर्ट जेड टू ए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या हो गया, जो सेंडिंग जो सॉर्टिंग हुई है वो किस ऑर्डर में हो गई, डिसेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले किसका नाम आया, सोनू, देन नेहा, गौरव एंड आर्यन। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, ये आपने देखा ये व्यू था, सेम एज इट इज़ हमने प्रैक्टिकल में किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट ऑल कॉलम्स, यहाँ पे आपने क्लिक किया था, ये सारे कॉलम इस तरह से हाईलाइट हुए थे, सेलेक्ट हुए थे, देन आप गए थे सॉर्ट ए टू जेड, तो जितने भी नेम्स थे वो अरेंजिंग हो गए असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट नेम ए वाला, फिर बी, फिर सी, इस अकॉर्डिंग सारे आपके नेम जो हो गए थे कॉलम वाइज सेलेक्ट हो गए थे। तो सपोज आर्यन जो था फर्स्ट कॉलम पे गया था, तो आर्यन के साथ में जो उसकी आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, मार्क्स है और एड्रेस है, ये भी सब क्या जाएंगे, फर्स्ट नंबर। तो कंप्लीट रो का चली जाइए आपकी फर्स्ट नंबर पे। आपने सेलेक्ट किया था नेम को, किसके अकॉर्डिंग सॉर्टिंग करिए, नेम के अकॉर्डिंग, पर जो पूरा डेटा है वो डेटा क्या होगा आपका, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेलेक्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। स्टूडेंट ये जो है पूरा एमएस एक्सेस पूरा प्रैक्टिकल पोर्शन है, तो आपको क्या करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ऑल टॉपिक्स, डिलीटिंग अ डेटा, मूविंग अ डेटा, ठीक है, सॉर्ट द डेटा। स्टूडेंट थैंक यू।